हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के सेशन 7 में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब देख रहे हो, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंसेप्ट, वेरी इजी कंसेप्ट। एक्चुअली आज एक इजी कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं और वो है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या डिस्कस करने वाले हैं बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। आपको देख के ही लग रहा होगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। बच्चों, इक्विपोटेंशियल सरफेस का मतलब क्या होता है, आप खुद ही सोचिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस मींस द सरफेस ऑन विच एवरी पॉइंट हैव इक्वल पोटेंशियल। सारे पॉइंट पे कैसा होगा? इक्वल पोटेंशियल। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। सरफेस या तो सरफेसेस फॉर विच पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स, पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन इट इज सेम, ठीक है। उसे क्या बोलते हैं बच्चों? इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। ओके, मतलब कि इक्वल पोटेंशियल, सभी जगह पर पोटेंशियल कैसा? इक्वल। सोचिए, अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करें, किसकी बात करें बच्चों? पॉइंट चार्ज की। तो पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल्स टू, पॉइंट चार्ज के पोटेंशियल का V इज इक्वल्स टू के क्यू बाय आर, ठीक है। मैं एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, जिसका चार्ज कितना है क्यू। अगर मैं आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लू तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा? आप डायरेक्टली बोलोगे सर के क्यू बाय आर, ठीक है। अगर मैं आर डिस्टेंस यहां से भी लू, सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द पोटेंशियल? के क्यू बाय आर। तो ऐसे आर डिस्टेंस वाले अगर मैं सारे पॉइंट कलेक्ट करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा? नहीं, मुझे मिलेगा एक स्फीयर। क्या मिलेगा? स्फीयर, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं फॉर पॉइंट चार्ज? फॉर पॉइंट चार्ज शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, शेप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस इज क्या होगा? फॉर पॉइंट चार्ज शेप ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज स्फेरिकल। क्या होगा? स्फेरिकल। ओके, देखिए, आप ऐसा नहीं है कि इस स्फीयर के बारे में ही बात कर रहा हूं मैं। एक छोटा सा स्फीयर सोचिए, ठीक है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर वन, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर टू। यहां पर सोचो कि डिस्टेंस कितना है आर डैश, तो इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा सोचो कि वो कितना होगा? वी डैश। तो इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा? वी डैश। इस पॉइंट पर पोटेंशियल वी डैश, यहां पर वी, यहां पर वी, इस पे सारे जगह पर पोटेंशियल कितना होगा? वी। आप खुद ही ऑब्जर्व कीजिए ना, इस स्फीयर पे सारे पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? V। और इस स्फीयर के सारे पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? V डैश, ठीक है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक बात हम नोट कर ले, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। अच्छा, सोचो कि मैं दो पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूं, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट क्या है? बी। सो व्हाट आई कैन से? वी ए इज इक्वल्स टू वी बी, देयरफॉर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू जीरो। पर वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू क्या है बच्चों? हम मतलब कि
ऐसा बोलेंगे कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। अगर मैं कोई चार्ज है, सोचो कि कोई चार्ज क्यू जीरो है, कौन सा चार्ज है, क्यू जीरो चार्ज है, जिसको मैं बी से ए के ले ले ए तक लेके आता हूँ या तो ए से बी तक लेके जाता हूँ, तो वर्क डन कितना पड़े करना पड़ेगा, W W अपॉन क्यू जीरो अगर हम करेंगे तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा ना। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पर कितना है, जीरो, तो इसका मतलब क्या है, वर्क डन इज ऑल्सो जीरो। अब देखिए वर्क डन जीरो है, अच्छी तरीके से देखिए वर्क डन, वर्क डन क्या है, वर्क डन इज एफ बार डॉट डी आर बार, अच्छी तरीके से अगर हम करें तो क्यू जीरो ई बार डॉट डी आर बार इज इक्वल्स टू क्या है, जीरो। तो अभी क्यू जीरो तो जीरो हो नहीं सकता, तो हम क्या बोल सकते हैं, ई बार डॉट डी आर बार इज इक्वल्स टू जीरो, तो ई डी आर कोस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो, तो कोस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। तो कोस थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा कितना होगा 90। तो इससे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आता है बच्चों, क्या कि एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस, एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 90 डिग्री। कितना एंगल होगा उन दोनों के बीच में, हमेशा 90 डिग्री होगा। ठीक है, मैं यहाँ देखो फिर से ड्रॉ करना चाहूंगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये चार्ज है और ये क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर हम इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो यहां पर एंगल कितना होगा 90, यहां पर भी एंगल कितना होगा 90, ऑलवेज एंगल कितना होगा 90 डिग्री। ये बात अच्छी तरीके से आप दिमाग में भरिए। ओके, सोचिए कि एक प्लेट है, दूसरा मैं बात करता हूं, इनफाइनाइटली लार्ज चार्ज प्लेट है ऐसी, तो इस पे क्या है चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा बच्चों, ऐसे निकलेगा, अगर यहां पर ए पॉइंट है और यहां पर बी पॉइंट है तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं वी ए ग्रेटर देन वी बी, क्यों, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं सी पॉइंट लू तो क्या बोल सकते हैं, वी ए इक्वल टू वी सी, क्यों, क्योंकि बी हम क्या चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर। तो इस तरह अगर हम सारे पॉइंट इमेजिन करके एक सरफेस हम ऐसी बनाए, कैसी बच्चों, इसमें ये सारे पॉइंट हो, तो इन सारे पॉइंट्स के पोटेंशियल कैसे होंगे, सेम होंगे, तो इस चार्ज शीट के लिए ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गई, क्या हो गई, इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ नहीं ड्रॉ कर सकते, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसा आप नहीं बोल सकते कि वहां पर ही ड्रॉ करना है, देखो आप यहाँ पर भी ड्रॉ कर सकते हो। एक बात है कि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस से सोचो कि ये नंबर वन और ये नंबर टू, एक से अगर दूसरी की ओर जाना है तो हमें वर्क करना पड़ेगा, लेकिन उसी पोटेंशियल सरफेस में, मतलब कि इसी में अगर हमें ऐसे ऐसे कहीं घूमना है तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, यहाँ भी कहीं भी घूमना है तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, लेकिन यहां से यहां जाना है देन वर्क नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर हम ऐसा सोचे कि वायर है, वायर, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर,
तो उसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी आएगी? तीसरा केस मैं क्या बोल रहा हूं, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। तो आप खुद ही सोचिए इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह आएगी। क्या सोच रहे हैं आप? इक्विडिस्टेंस होना चाहिए। हाँ, तो इक्विडिस्टेंस किस तरह होगा? आप सही सोच रहे थे, सिलेंडर। क्या हो जाएगा? सिलेंडर। मैं एक छोटा सिलेंडर भी ड्रॉ करता हूं, बोलो सिलेंडर है। ठीक है, ये हो गई इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 1। ये क्या हो गई? इक्विपोटेंशियल सरफेस नंबर 2। कैसी सरफेस हो गई? सिलिंड्रिकल सरफेस हो गई बच्चों। कैसी हो गई? सिलिंड्रिकल सरफेस हो गई। किसके लिए? फॉर अ लॉन्ग चार्ज वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर। ओके, अच्छा अब एक इंटरेस्टिंग डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, सोचिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस सिस्टम के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ इस तरह आएगी। यहां थोड़ा डिस्टेंस कम, यहां डिस्टेंस ज्यादा रखना है। ठीक है, कुछ इस तरह। ओके, मैंने थोड़ी यहां पर गलती कर दी। क्या गलती कर दी? कि ये डिस्टेंस क्या करना है? कम करना है। ये दोनों कैसे चार्ज है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, या तो हम क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज। लाइक चार्ज में कुछ इस तरह आएगा, लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस है, कैसे है? अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस का मतलब क्या है? एक पॉजिटिव होगा, ओके, और दूसरा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ओके, उसको कहीं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ये है नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, आप खुद ही देख लीजिए। कुछ इस तरह, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है ना? मतलब कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या तो किसी सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है तो सिर्फ एक इलेक्ट्रिक फील्ड ही जरिया नहीं है, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस की मदद से भी किसी भी चार्ज सिस्टम को पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से देखिए, यहाँ नैरो है और यहाँ पर ब्रॉड, और यहाँ नैरो, यहाँ पर ब्रॉड। ये कैसे है चार्ज? अनलाइक चार्ज। तो अनलाइक चार्ज के लिए इस तरह और लाइक चार्ज के लिए इस तरह। ठीक है, समझ में आ गया? आइए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ये स्फीयर है, ये चार्ज क्या है? क्यू। ठीक है, एक पॉइंट है 1, एक पॉइंट है 2 और एक पॉइंट है 3। इनफाइनाइट से, कहाँ से? इनफाइनाइट से हम चार्ज लेके आ रहे हैं। ठीक है, पहले हम कहाँ लेके गए? 3 पर। उसके बाद में हम कहाँ लेके गए? 2 पर। और उसके बाद में हम कहाँ लेके गए?
सॉरी वन पे, उसके बाद में यहाँ पर हमारा वर्क हुआ था डब्ल्यू थ्री, यहाँ पर हमने वर्क किया था डब्ल्यू टू, और यहाँ पर हमने वर्क किया डब्ल्यू वन। तो आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ डब्ल्यू वन ग्रेटर देन डब्ल्यू टू ग्रेटर देन डब्ल्यू थ्री, या तो डब्ल्यू वन इक्वल्स टू डब्ल्यू थ्री लेस देन डब्ल्यू टू, फिर ऑप्शन दे रहा हूँ डब्ल्यू वन इक्वल टू डब्ल्यू टू इक्वल्स टू डब्ल्यू थ्री, ओके। और डी डब्ल्यू वन प्लस डब्ल्यू टू प्लस डब्ल्यू थ्री इज इक्वल टू जीरो टू। सो व्हाट इज द आंसर? आप प्लीज ऐसा मत सोचिए कि यहाँ सबसे दूर ये टू है इसीलिए डब्ल्यू टू ज़्यादा होगा, और वन और थ्री सेम जगह पर है। तो मैं एक बात बोल दूँ, अच्छा ये रेडियस आर है तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो सारी जगह पर पोटेंशियल सेम होगा, तो इसका मतलब आंसर कौन सा होगा? W1 equal to W2 equals to W3। ओके एक बात हाँ मैं कहना भूल गया क्या, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर है, हाँ वो तो हमने बात कर ली थी। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? परपेंडिकुलर। इससे निकलने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस दोनों के बीच में एंगल ऑलवेज कितना रहता है? 90 डिग्री। ये अच्छी तरीके से अपने दिमाग में भर लीजिए, ठीक है। एक एग्जांपल और सॉल्व करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, कॉम्पिटिटिव में भी एक बार आ चुका है, सॉरी। ये है 30 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट, और ये है 10 वोल्ट, ठीक। यहाँ पर ने है 10 सेंटीमीटर, ये है 20 सेंटीमीटर, और ये है 30 सेंटीमीटर, मतलब कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 10। इसके बीच का भी 10 और इसके बीच का भी 10। वॉट यू हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड? सबसे पहले तो देखिए ये भी पोटेंशियल सरफेस है, और आप इस तरह जाओगे तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इन द डिक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ द पोटेंशियल। तो ये बात तो तय हो गई, क्या बात? कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में होगा। कौन सी डायरेक्शन में होगा? पॉजिटिव। कहने का मतलब क्या है? इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो पता चल गई, कौन सी डायरेक्शन होगी? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड में पता करना है तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, 30 माइनस 20 कितना हो गया? 10, और डेल्टा आर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 10 इंटू 10^-2, तो ये कट हो गया, आ गया 100 वोल्ट पर मीटर। सो व्हाट इज द आंसर? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 100 I cap वोल्ट पर मीटर, ठीक है। देखो अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा हो रहा है, यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल तो थी ही, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन गया था। अब अगर ऐसा सोचिए, जो अगला क्वेश्चन था ना उसी बेस पे मैं बात कर रहा हूँ, ये वाई है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस से कुछ इस तरह से, ये है 30 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट, ये है 10, ठीक है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, एंड दिस एंगल इज अ 45 डिग्री। अब हमें क्या बोला है? फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तो आपको क्या होना चाहिए पता, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आपके पास दो चॉइस है, या तो इस डायरेक्शन में या तो इस डायरेक्शन में। तो देखिए 30, 20, 10 कौन सी डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। समझ में आ गया, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ये एंगल कितना है? 45 डिग्री। अब बात करते हैं
मैग्नीट्यूड की. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आर, तो 30 माइनस 20 तो कितना हो गया 10. लेकिन ये डिस्टेंस नहीं करेंगे हम कैलकुलेट, नहीं. ठीक है, देखो ये तो हमारे रॉन्ग हो गया था ना, ये सही डायरेक्शन थी, ये डिस्टेंस नहीं, हमें ये कैलकुलेट करना होगा बच्चों. क्या कैलकुलेट करना होगा ये, तो अच्छी तरीके से देखिए, ये अगर 45 है तो ये भी क्या होगा 45. तो आपके सामने एक ट्रायंगल है, ये है 10 सेंटीमीटर और ये कितना है 45. तो ये हो गया 10 साइन 45, तो 10 बाय रूट टू. तो यहाँ पर हमें क्या पुट करना पड़ेगा, 10 बाय रूट टू और सेंटीमीटर है इसलिए 10 रेस टू माइनस टू. तो ये कट हो गया 100 रूट टू वोल्ट पर मीटर. ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में. सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, 100 रूट टू वोल्ट पर मीटर एट 45 डिग्री, ओके, विथ माइनस 45 डिग्री ऐसा बोलेंगे, विथ एक्स एक्सिस. तो इस तरह एग्जांपल आते हैं, तो आपको ऐसे एग्जांपल सॉल्व करने आने चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस का कंसेप्ट खत्म हुआ और आगे हम और कंसेप्ट देखेंगे. इसको आप अच्छी तरीके से समझिए, आपको क्या ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में कितना एंगल होता है, 90 डिग्री एंगल होता है और वर्क डन कितना होता है, जीरो होता है. ठीक है, तो इस सेशन को यहाँ तक रखते हैं. थैंक यू एंड नमस्कार.